श्री भगवान सिंह जी महाराज साडे पुलिस विभाग वालों मुख्यमंत्री जी का नियुक्ति पत्र वंड समागम मौके पहुंचने ते हार्दिक स्वागत करती हाँ, जो खुद नवे भर्ती हुए पुलिस सिपाहियों नूं नियुक्ति पत्र सौंपण लई आए हैं। मुख्यमंत्री पंजाब जी दे नाल पंजाब सरकार दे मुख सकत्तर श्री विजय कुमार जंजुआ जी, प्रमुख सकत्तर गृह विभाग श्री अनुराग वर्मा जी, डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव जी का भी समागम मौके पहुंचने ते स्वागत करती हाँ। ऑडिटोरियम विच बैठे नव नियुक्त सिपाहियों नूं भी मैं जी आयां नूं आखदी हां, अज दा दिहाड़ा तुहाडे सारिआं लई इक इतिहासिक दिन है, क्योंकि अज तुहानूं पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी वल्लों नियुक्ति पत्र दित्ते जाणे हन। इह तुहाडे जीवन दा इक नवां मील पत्थर है, जिस नाल तुसीं देश दे अते समाज दे आर्थिक अते समाजिक विकास विच वडमुल्ला योगदान पाओगे। पुलिस दी नौकरी केवल रुजगार दा ही साधन नहीं, सगों एक अहम जिम्मेवारी ते गौरवशाली जिम्मेवारी है, देश अते समाज दी सेवा करन दी। तुहानू सारिआं नूं इस गल ते फखर होना चाहीदा है कि तुसी अज पंजाब पुलिस विच भर्ती होण जा रहे हो ते देश दी सेवा करन जा रहे हो। पंजाब पुलिस दा एक अपना शाना मती इतिहास है, जिस दे वारस हुण तुसी भी बनन जा रहे हो। गल भावे अमन कानून कायम रखण दी होवे जां फिर देश दी एकता ते अखंडता नूं बरकरार रखण दी, पंजाब पुलिस ने देश सेवा विच हमेशा ही मोरी योगदान पाया है। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों दर्शाए गए राह, देह शिवा बर मोहे ए है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, दे चलदे पंजाब पुलिस दे अनेका बहादुर अफसरा ने देश दी खातिर शहादत दा जाम पीता है, ते हुण भी जदों कदे भी लोड़ पैंदी है साडे जवान मोरली कतार विच होके देश दी सेवा करदे हन। समागम नूं रस्मी तौर ते अगे वधाउंदे होए मैं बेनती करांगी पंजाब दे प्रमुख सकत्तर गृह विभाग श्री अनुराग वर्मा जी नूं कि ओह माणयोग मुख्यमंत्री साहब नूं फुल्लां दा गुलदस्ता दे के उन्हां दा स्वागत करन। बहुत बहुत धन्नवाद सर। मैं पुलिस प्रशासन वल्लों मुख्यमंत्री जी दा विशेष तौर ते धन्नवाद करदी हां, जिन्हां दे दिशा निर्देशां हेठ इह पूरी भर्ती प्रक्रिया नेपरे चाड़ी गई। इस नाल जिथे काबल नौजवानां नूं रोजगार मिलिया है, उथे ही जमीनी पद्धर ते पुलिस बल नूं भी मजबूती मिली है। अज दे इस खास समागम मौके माणयोग मुख्यमंत्री साहब पंजाब पुलिस दी भर्ती लई 4358 सिपाहियां विचों कुछ उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र दे के रस्मी शुरुआत करेंगे, जिस नाल पंजाब देश की एकता ते अखंडता अते सरहदी सूबे पंजाब दी अमन शांति लई पंजाब पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी नूं हमेशा ही समर्पण भावना नाल निभाया है। पर सरहदी सूबा होण करके पंजाब नूं अज भी कई चुनौतियां विचों लंघना पै रहा है, जिस लई पंजाब पुलिस अपनी ड्यूटी हमेशा जी जान नाल निभा रही है। पंजाब वासियां दी सुरक्षा ते सलामती ही अपनी मुढली ड्यूटी समझदी है। पर सर, पिछले कुछ समय तो बहुत वड्डे पद्धर ते नशा बरामद कीता जा रहा है, अते नशिआं खिलाफ लड़ाई नूं पंजाब पुलिस डीजीपी साहब की अगवाई विच अंजाम तक लेके जाएगी। पंजाब पुलिस विच भर्ती हुए नवे जवानां नाल समाज के दुश्मनां के खिलाफ साडी इस लड़ाई च होर तेजी आवेगी। हुण मैं बेनती करदी हां पंजाब दे मुख सकत्तर श्री विजय कुमार जंजुआ जी कि ओह मुख मेहमान जी दे स्वागत विच दो शब्द कहन। सारे पंजाबियों की दिलों की धड़कन, सिर्फ पंजाब ही नहीं सारे दुनिया विच वसदे पंजाबियों की दिलों की धड़कन, साडे पंजाब की पंजाबियों की मान ते आन ते शान सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री पंजाब, मैं तुहानू इत्थे मैं अज वेलकम करना। तुसी ए जो है रस्मी कार्रवाई है अपॉइंटमेंट लैटर की वह देने लिए आए हो, तो तुसी अपने कीमती समय विचों टाइम कढ़िया दे लिए असीं तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हैं सर। तुहाडी सरकार दी सर जो गरंटियां सीगियां कि जिहड़े जिहड़े असीं तुसी वादे कीते सीगे सर, असीं पूरी तनदेही नाल लगे हुए हैं कि इस नूं असीं पूरा कीता जाए सर। उहदे विचों कई तो वादे सर ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं,
जिस तरह सर बिजली का सर तुसी कहा सी 600 यूनिट जिहड़ा हैगा वह हो गया, उहदे विच 1 किलोवाट की कंडीशन सी वह भी हट गई सर। सर तो ਅਸੀਂ 17,313 ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 26,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 17,313 ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 26,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਛ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 26,000 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੀਜੀ ਸਰ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਕਿ 36,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਸਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵਿਥਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਸਟੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਅਨਟਰਨਡ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੇਜ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 5744 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੇਵ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਸ਼ੂ ਮਿੱਤਲ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
अज दे पंजाब पुलिस नाल संबंधित इस नियुक्ति पत्र बंड समारोह दे विच पहुंचे हुए पंजाब पुलिस दे डीजीपी साहब श्री गौरव यादव जी, सेक्रेटरी होम श्री अनुराग वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब विजय कुमार जंजुआ जी, पुलिस दे बहुत ही सीनियर ऑफिसर साहबान, अलग अलग रैंक दे जिहड़े कि अपने परिवार दे विच अज वादा जिहड़ा होया है उस समागम दे विच पहुंचे ने। ते सब तो ज़्यादा धन्नवादी हां मैं ते वधाइयां भी उन्हां नूं तुहानूं जिन्हां ने अज उह दिन सुपने च जिहड़ा देखिया सी उह अज हकीकत च बदलदा देख रहे हो। जिन्हें भी मुंडे कुड़ियां सिलेक्ट होए ने उन्हां चों कुछ इत्थे आए ने, मेरे वल्लों जिन्हें भी 4380 ने उन्हां सारयां नूं बहुत बहुत मुबारकां। तुसीं तां उहदे विच हैगे हो बिल्कुल। एक बड़ा इंटरस्टिंग पॉइंट आया अज सवेरे जदों डीजीपी साहब मिले मैनूं, 4458 पोस्टां ने इश्तिहार दिता गया सी, 33% कुड़ियां लई राखवां कोटा सी, पर कुड़ियां दी काबिलियत इन्नी ज़्यादा सी कि 3130 मुंडे ने 1228 कुड़ियां ने, मतलब 33% की बजाय लगभग 40% कुड़ियां जड़ियां ने वो अपनी काबिलियत दे नाल इस भर्ती दे विच शामिल होईयां ते भर्ती होईयां सफलतापूर्वक, उन्होंने टेस्ट पास किए। जिस तरह मेरे तो पहला स्टेज तो कहा गया ये कोई पहला जां आखिरी फंक्शन नहीं, भर्तियां निरंतर इस तरह जारी रहणगियां। ज्यों ज्यों पुलिस दे विच नफरी वधाउंदे जावांगे तां लोकां नूं भी सौख होगी, जदों उन्हां नूं किसी मुश्किल दे समें पुलिस जिहड़ी है उह सज्जे खब्बे नेड़े आस पास रेडियस दे विच मिलेगी। पंजाब पुलिस जिहड़ा है उहदा इतिहास जिस तरह कहा कि बड़ा गौरवमयी है, ये भी कहा गया कि कल्ली नौकरी नहीं, यह एक जज्बा एक मौका सेवा करन दा है, क्योंकि पुलिस का सीधा संबंध आम लोगों नाल पैंदा है, सीधा राबता हुंदा है, हर रोज़ आई कॉन्टैक्ट हुंदा है लोगों नाल। ते तुसी पढ़े लिखे मुंडे कुड़ियां सारे पहलां वाली गल नहीं हैगी, हुण तुसी डिग्री होल्डर हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लईयां होईयां ने, विद्या तुहाडे कोल है, होर भी तरक्कियां करोंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुहाडे कोल जिहड़े लोक आउणगे वह दुखी होणगे, किसी दुख नूं लैके ही आउणगे कि मैनूं आह दुख है जी, मेरा आह झगड़ा है जी, मैनूं आह दिक्कत है जी। जे किते उस दुखी नूं प्यार नाल उत्थे उहदे नाल गल कर ली जावे, प्यार नाल ही उहदी गल जिहड़ी सुन भी ली जावे, बिठा के पाणी पिया के, अद्धा दुख तां उहदा उत्थे कट जांदा है कि चलो मेरी गल सुन ली किसे ने। इसे तरह ही डॉक्टरां ते लागू हुंदा है, डॉक्टरां कोल भी मरीज जिहड़े ने रोंदे आउंदे ने दर्द नाल, जिहड़ा डॉक्टर प्यार नाल मरीज नाल गल कर लैंदा वह अद्धी बीमारी टुट जांदी है। इसे तरह ही वकीलां ते लागू हुंदा है, उत्थे भी सारे झगड़े वाले जांदे है, जे कोई वकील कह दे कोई गल ही नहीं तो तुहाडे नाल खड़ांगे तुसीं सही हो कागज़ पत्तर लियाओ, अद्धा उहदा भी दुख टुट जांदा है भी चलो शुक्र है केस जिहड़ा है वधिया तरीके नाल लड़िया जाऊगा।
अगे फैसला करना तो माण योग अदालत का काम होंगे। सो अज नफरी दे विच वाधा हो रहा है। तुसी एक उस परिवार दे विच शामिल हो रहे हो जिन्हें बड़े दुख झले, बड़े कष्ट भी झले, खून डोलिया, अज भी हिक्का डाई बैठे है, क्योंकि जदों दुश्मन वाले पास्यों गोली आउंदी है तां सब तो पहला पंजाब जिहड़ा बॉर्डर स्टेट है तां साडे सीने जिहड़े ने उन्हां गोलियां दे सामने हुंदे ने। आजादी लियाउण दे विच भी 90% दे लगभग योगदान, ते उस आजादी नूं संभालण दे विच भी सब तो वड्डा योगदान पंजाब दा, पंजाबियां दा। इतिहास गवाह है, साडे बजुर्ग, साडे पुरखे, साडे शहीद, साडे गुरु लड़दे रहे, जुल्म दे खिलाफ लड़दे रहे। जदों बाबर नूं जाबर कहा गया, देखो किहड़ा जमाना होगा उस वेले। गुरु नानक साहब ने जदों उस वेले गुरु नानक साहब ने औरतां दे हक च आवाज उठाई, एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। पंजवें पातशाह की शहीदी हुई, उस तो बाद फिर जिहड़े उदों दे राजे महाराजे से उन्हां नाल लड़ाइयां चलदियां ही रहियां, चाहे ग्वालियर दे किले चों बंदी छोड़दा होवे, भावें गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी होवे, गुरु गोबिंद सिंह जी की सरबंस वारिया उन्होंने जुल्म दे खिलाफ। सो आपां इह गल याद रखनी है कि असी मजलूमां दे हक च आ, असी जुल्म ना सहने आ ते ना करदे आ। सो तुहाडे कोल बहुत सारे केस तुहाडे इस नौकरी दौरान आउणगे जिथे तुसी कई बार दुचित्ती जां तीन चार किसी चौंक वर्गी हालत हो जूगी कि किधर नूं जाइए हुण, तां मैं तुहानूं बेनती करदा कि अपने दिल नूं पुछ के ईमानदारी वाले पासे जाओ, सच वाले पासे जाओ, तो तुहानूं सुकून मिलेगा। पैसे कमा के बहुत दुनिया तुर गई इत्थों, कोई किसी नूं याद नहीं रखता, याद सिर्फ उन्हां नूं रखिया जांदा जिहड़े लोकां वास्ते कुछ कर जांदे ने। शहीद आजम भगत सिंह होरां दे बहुत सारे हानि होणगे उन्हां दी उम्र दे, उन्हां तों 2 महीने छोटे, 2 महीने वड्डे, जिन्हां दे टब्बर ये कहिंदे होणगे पुत इन्हां नाल ना रड़िओ, ये तां गलत संगत च पै गए, आपां की लैणा, आपां आपदा काम कार करिए। उन्हां जो किसी नूं जाणदे हो जी, वैसे भी कमा गए होणगे, हो जाणदे किसी नूं। गुरु नानक साहब राय भोज की तलवंडी पैदा होए, बड़े उन्होंने भी हाण दे हम उम्र होणगे जिन्होंने पैसा कमाया, बिजनेस कमाया किते होने, तो किसी नूं जाणदे जी। तो इधर मेले लगते जी, इधर सजदा करते हैं जी हर वक्त, क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते खिलाए जिहड़े उन्होंने हाणी सीगे। तो शहीद आजम भगत सिंह होर ने, गुरु नानक साहब होर ने, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी होर, इन्हों ने अपने दिलों च खाते खिलाए। इस करके हरेक साल नवा कैलेंडर ले आने आप, उन्होंने नवी फोटो वाला, क्योंकि खाते दिलों च खिलाए हुए हैं, और दिलों वाले खाते जोड़े ने पासवर्ड जोड़ा वो लोगों को होंगे। सो लोग ही जानते हैं कि कौन साढ़े लिए काम करता। तुसी पंजाब पुलिस ड्यूटियां सड़कों पर भी लगनगियां, और तुहाडियां ड्यूटियां रेलवे स्टेशन पर भी लगनगियां, बस स्टैंडां पर लगनगियां, मीह वाले हालातों भी काम करोगे, नेरी भी आऊगी, ठंड भी, गर्मी भी, पर सिपाही का मतलब यह है कि हर हालात के डटिया रहे ते अपनी ड्यूटी करे। अजकल CCTV कैमरे होर बहुत कुछ आ गया, इक्यूपमेंट पुलिस की थोड़ी जी नौकरी जी है, जब पुलिस का काम थोड़ा जहा सौखा हो गया, तीजी अख कह दें आप उन्होंने कैमरिया, तो उन्होंने कैमरिया राही बहुत कुछ क्राइम फड़े जा रहे हैं। सो बाकी जे अपने को आ गया
लेटेस्ट उपकरण जिहड़े ने तां उह देश दे जिहड़े दुश्मन ने उन्हां कोल भी आ गए, वह भी नवे नवे तरीके लभदे रहिंदे। सो अपडेट रहना पऊगा हर वक्त। मैनू उम्मीद है कि तुसीं यंग मुंडे कुड़ियां पंजाब दा नाम रोशन करोगे। और मैं पहला कहा सीगा कि भर्तियां हजे भी जारी रहणगियां, साडा काम है जिस दिन भर्तियां निकलियां असीं तुहानूं लैटर दे देंगे। ना असीं किसे माफिए नूं, ना असीं किसे रिश्तेदारां नूं, ना असीं किसे चेले चपटियां नूं मूहरे लाउणा है भी तूं पैसे फड़ ला जां तूं पैसे इकट्ठे कर ला, ये कर ला। तुसीं अपनी काबिलियत ते आए हो और अगे तरक्की काबिलियत नाल ही करनी है। होर भी तुहाडे पेपर होणगे, उन्हां पेपरां नूं देख के तुसीं अगे होर तरक्कियां करोगे। सो मैनूं इस गल की खुशी है कि यह काम परमात्मा ने मेरे जुम्मे लाया। तो तुसीं पहली तनखाह जदों मैनूं पता, मैनूं याद है जदों मैनूं पहली बार मैं किसी कॉलेज के फंक्शन चों मैनूं कुत्ते लै गए, कोई टूरनामेंट सी कबड्डी का, तो मैनूं 350 रुपया मिला जी। तो वह बस के उपर छत बैठा सी, मैं इतने पेंट की जेब च पैसे पाए हुए थे, वो पहली कमाई सी मेरी। मैं मतलब इन्ने जोर नाल पैसे वो फड़े हुए थे, अब मैं क्या भी आप डिग पूंगा पर इन्हों डिगन दिता, क्योंकि पहली कमाई है और आपकी कमाई है। सो जे अपने कमाए होंगे है ना, उन्होंने खर्चन का भी अपना ही आनंद होंगे। जोड़े इधरों उधरों आते हैं वो बरकत नहीं पाते। एक बंदा सीगा, उहदा बेटा नलायक सी, नकम्मा सी, काम नहीं करता सी। तो वह बंदे ने अनाउंस करता, कहिंदा मैं अपनी सारी जायदाद जिहड़ी है किसी गुरुद्वारा साहब के नाम लवा दूंगा, शर्त एक ही है, मेरा जिहड़ा बेटा है वह 100 रुपया कमा के लिया। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, उन्होंने वह मुंडे को समझाया कि बापू सन की है तेरा, कुछ भी कर सकता है, तू 100 रुपया कमा लिया। उन्होंने हूँ काम करने की आदत नहीं सी, वो किस तो उधार मंग लिया 100 रुपया, तो बापू ने फड़ाता, बापू ने टोटे टोटे करके थले सुटता। मुंडा खड़ा रहा, कहिंदा हाँ जी दसो बापू जी, हूँ कहिंदा 100 होर लिया कमा के, हूँ अगले दिन उधार भी नहीं मिलती हर रोज़। चलो 20-50 रुपया इधरों मिल गए, 20-50 रुपये का बल्लो बुल्लो बेचता कोई चोरी चोरी करके, 100 फिर इकट्ठा कर लिया, फिर लिया के देता। उन्हें फिर पाट के सुटिया टुकड़े टुकड़े करके। मुंडा खड़ा रहा, कहिंदा हाँ जी दसो हूँ। बापू कहिंदा भी 100 होर कमा के लिया, हूँ चोरी भी बंद हो गई, उधार भी बंद हो गया। सच्ची मुची सड़क ते दुरमट नाल रोड़ी कुटनी पै गई, सारा दिन सड़क ते काम करके 100 रुपया कमा के लिया। कहिंदा लो बापू 100 रुपया। जदों वह 100 रुपया फाड़ के सिटिया तो कला कला टुकड़ा थलों चक्या, कहिंदा बापू जी क्यों पाड़ दे, हाथों से छाले हो गए कमाते कमाते। तो बापू कहिंदा अज तेरे ने, ये तो पहला भी मैं पाड़ के सुटदा रहा, तू अं खड़ा रहा, तेन दर्द नहीं हों, अज कला कला टुकड़ा चक्या ना, यदा मतलब अज तेरे ने, तेरे कमाए हुए ने असली ने। सो रिश्वत का पैसा इधरों उधरों आया हुआ, बिना मेहनत तो आया हुआ पैसा आजूगा, पर बरकत नहीं पाता, वो सुकून नहीं दिता। मैं यही बेनती करना थोनों के अपने कमाई हुई मेहनत की कमाई का जो आनंद होंदा आनंद होर होंदा। जिहड़ा जे इमानदारी चो कोई सुकून लैन लग गया ना, सीख गया कोई इमानदारी चो सुकून लेना, ये तो बड़ा सुकून नहीं कोई। जिहड़ा दुनियावी सुकून है, कोई कपड़ा कर लिया, किसी ने घोटाला कर लिया, नींद नहीं आती, वो कोई भी पुलिस वैसी लंघे ना, लगे ना पता साढ़े घर आए होने, क्योंकि मन च डर है ना, मन च पाला। सो इस करके कहा गया कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जिहड़ा आखिरी कपड़ा मिलता है बंदे नूं, उह ते सिउण नहीं बजी हुंदी कोई, वो इदे सीधा ही हुंदा, बस कोई जेब नहीं हुंदी उहदे। सो जे सिकंदर वर्गे दुनिया जितने वाले बंदे जिहड़े ने वो इत्थों खाली हथ गए ने, पापा तकी चीज़ां दा मुकाबले। पर हाँ
चंगे बंदे लोग याद रख लेंगे, माड़े बंदे ने भोगते भी नहीं आता कोई, कोई छड़ो परे यार कि बंदा ठीक नहीं सी। सो एक शेर है कि आदमी बड़ा सालों से नहीं ख्यालों से होता है। थोड़े पिंड भी 90-90 साल के बुढ़े पाए होने मंजिया से, अद्धे पिंड पता नहीं होना भी मर गया गुरनाम सूझा है जी, 90-90 साल की उम्र होगी, 92-95 का भी पिया होना, कोई बुढ़ा पता नहीं होना भी जिंदा है जा मर गया। तो दूजे पासे 23 साल की उम्र से शहीद आजम भगत सिंह होर की अज तक जिंदे ने, रही दुनिया तक जिंदे रहने। सो आदमी बड़ा सालों से नहीं ख्यालों से होता, ख्याल बड़े से उन्होंने, सह लैण नूं जिंदगी नहीं कहिंदे, किसे लई सह लैंदे हो, किसे दे सह बचाउंदे हो, अपने लिए तो हरेक जिउ लैंदा है, जे किसे लई कोई पल कढ लिया तुहाडे करके किसे दे घरे कोई खुशी आ गई, ये तो वड्डा फिर कोई पुन नहीं हैगा। सो मैनूं उम्मीद है कि तुसी सारे वक् वक् जिलों च जाके ड्यूटियां जदों करोंगे तो लोग थोड़े ते माण करनगे, कितने लोग थोड़े कोले आउण वास्ते भी शिकायत लाउण वास्ते भी आउणगे भी उत्थे जाने उत्थे इंसाफ मिलदा हुंदा। वैसे तो पंजे उंगलां इक्को जिहियां नहीं हुंदियां, पर फिर भी जे बदलाव करना होवे चेंज लियाउणा होवे तो अपने वर्ग ही चाहिए आम लोग, उहदे वास्ते कोई बहुतिया डिग्रिया की लोड़ नहीं पैंदी, दिलों लोगों का साथ दिओ, दिलों इंसाफ दोगे, सही परचे लिखे जाएंगे और तुहाडे हथों कोई गलत फैसला ना हो, यही अरदास करते रहो। मैं हर रोज़ फैसले करदा, मैं हुण भी 25-30 फाइलां साइन करके आया, बस यही अरदास करदा हुंदा कि कोई गलत साइन ना हो जाए, परमात्मा समर्थ बख्शे बल बख्शे कि लोगों के हक जी फैसले होन। जे लोगों ने इत्थे जिम्मेदारी दिती है उस जिम्मेदारी नूं मेरी अफसर की टीम जिहड़ी है वह निभा रही है बैठी है सारी, तो टीम तो बिना कुछ नहीं, कल्ला तेंदुलकर कल्ला कोहली नहीं जिता सकता, नाल 10 होर चाहिए, 3-4 होर चाहिए है पानी पिआउण नूं, कदे बैट टुट गया बैट फड़ाउण नूं, ग्लव चेंज करन नूं, कई बारी 12वां 13वां 14वां 15वां खिलाड़ी खेडदे ही नहीं सारा टूरनामेंट, 11 दे 11 खेडी जांदे पर टीम जित जांदी है गोल्ड मैडल, पर गोल्ड मैडल 15 दे 15 नूं मिलदा फिर, क्योंकि वह भी हिस्सा सी भावें नहीं खेडे पर उन्होंने भी किसी ना किसी तरीके योगदान पाया। सो तुहाडे चों शायद बहुते डायरैक्ट ड्यूटी पर ना हो थाने होगे पर यह मतलब यह नहीं है कि तुम टीम का हिस्सा नहीं है। सो जो गोल्ड मैडल मिलेगा पुलिस को शाबाशी मिलेगी उदो सारे मिलेगी इकट्ठे। सो एक टीम के तौर पर काम करो, टीम हमेशा जीती होंगी है, इंडिविजुअल जोड़े ने कदे परफॉर्म कर देंगे कदे नहीं भी करते, पर जो टीम के हो फिर वो घाटे वाधे जोड़े पूरे हो जाते हैं। सो पंजाब पुलिस की एक टीम है, कैप्टन तुहाडे DGP साहब ने, ते जो भी फैसले लैणगे उन्हां फैसलियां नूं मन्नो, उन्हां जो एक्सपैक्ट करदे ने उन्हां तो दुगणा रिजल्ट दोगे। असीं आउण सार जदों मैं सहुं चक्की 16 मार्च नूं 17-18 मार्च नूं असीं फैसला कीता कि पंजाब पुलिस जिन्ने भी कर्मचारी ने काम करते हैं उन्होंने जन्मदिन वाले दिन उन्होंने घर एक कार्ड जाऊगा जिसे लिखा होगा हैप्पी बर्थडे, तो उन्होंने परिवार को बधाई दी जाएगियाँ कि तुहाडे पिता जी तुहाडे पापा या तुहाडे जे जिन्हों भी संबोधन किया तुहाडे हसबेंड साडी पुलिस फोर्स के बहुत वधिया काम कर रहे हैं, बच्चों का हौसला बढ़ जाता आते हैं कार्ड आते हैं घर सारे। और मैं जदों MPV सीगा ते अज हुण चीफ मिनिस्टर हाँ, जिन्ने भी प्रोटोकॉल मुताबक सलूट बजते हैं
जावांगे तां प्रोटोकॉल है सलूट मारदे ने सड़कां ते खड़े। मैं एक भी सलूट जिहड़ा है वह अनअटेंडड नहीं छड़दा, मैं भी वापस सलूट मारदा क्योंकि जे उधरों सलूट बच गया इधरों नहीं गौलिया बिल्कुल उवें जिवें लगेगा जिवें आपां हाथ कढ लईए हाथ मिलाउण वास्ते, अगे वाला बंदा हाथ ना कढे फिर की महसूस होंदा उही होगा फिर जे सलूट नूं सलूट वापस नहीं आऊगा। सो जे इज्जत करवानी है तो इज्जत करनी भी सीखो। सो इस करके मेरे दिल च तुहाडे सारयां लई बहुत इज्जत है, मैं चाहुंदा तुसीं अपने डिपार्टमेंट दे विच बैस्ट बनो और मुकाबला होवे, मुकाबले दे विचों ही फिर जिहड़ी है तरक्कियां होंदियां ने। सो आई विश यू ऑल द बैस्ट। मैं तुहानूं सारयां नूं तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे मापियां नूं तुहाडे माँ तुहाडे पिता जी तुहाडे भरा तुहाडियां भैणां रिश्तेदारां नूं सारयां नूं बहुत बहुत मेरे वल्लों अज वधाई लै जिओ। उन्हां नूं कहो कि अज साडी ड्यूटी जिहड़ी उह लगी है ते असीं उस ड्यूटी नूं तनदेही नाल निभावांगे। कई बार परिवारिक जिम्मेवारियां भी सेकेंडरी करनियां पै जांदियां ने देश लई, कई बार देश ते कोई इहो जिहा संकट आ जांदा है कि परिवारिक परिवार सेकेंडरी हो जांदा देश पहला हो जांदा। सो आपां इस देश नूं अगे वधाउणा और पंजाब नूं अगे वधाउणा। कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा पंजाब जिहड़ा कुछ अलामतां च घिर गया लगे हुए हैं उन्हां नूं खत्म करन लई ते पंजाब नूं उन्हां अलामतां चों कढ़न लई। पंजाब बहुत वारी डिग्गिया है पर पंजाब बहुत वारी उठ्या भी है। सो आपां पॉजिटिव सोचना है। सुजीत पात्र साहब दे शेर नाल मैनूं उन्होंने इत्थे पे कह के मैं तुरदा नहीं तां राह बणदे, पात्र साहब दा शेर है, मैं पात्र साहब दे शेर नाल ही खत्म करूँगा कि होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमां तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। जमीन रखो इसे धरती ते फुल खिरनगे, इसे धरती ते भंगड़े गिद्दे पहनगे, इसे धरती ते नौजवान पुलिस च भर्ती होणगे वड्डे अफसर बनणगे, इसे धरती ते नौजवान फौज दे विच जरनैल बनणगे, इसे धरती ते छिंजां इसे धरती ते कुश्तियां कबड्डियां इसे धरती ते असीं खुशियां खेड़े जिहड़े उह देखांगे। बस परमात्मा समत बख्शे बल बख्शे ते लोक सेवा दे विच मन लाई रखे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद सारों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री साहब जी का एक बार फिर पुलिस प्रशासन वालों दिलों धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने अपने कीमती समय विचों समा कढ़ के पुलिस प्रशासन का माण वधाया है अते अपनी जिंदगी की नवी पारी की शुरुआत करन वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की उन्हों का मनोबल उच्चा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हुण असीं समागम के रस्मी अंत वल वध रहे हाँ ते मैं बेनती करांगी पंजाब पुलिस के माणयोग DGP साहब श्री गौरव यादव जी नूं कि उह डाइस ते आ के माणयोग मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करन अते जवानां नूं अपना संदेश देण। मैं पंजाब पुलिस वालों परम सत्कारयोग चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने अपने रुझेवे विचों टाइम कढ के इत्थे स्पैशली अपॉइंटमेंट लैटरस दिते। मैं तुहानूं इह वी दसना चाहवांगा कि CM साहब चाहुंदे सीगे कि मैं सारयां नूं दाज, असीं CM साहब नूं बेनती कीती कि सिंबोलिक तौर पर असीं 25 अफसरां नूं तुसीं अपॉइंटमेंट लैटर दे दो ते CM साहब बहुत ज़्यादा खुश हैगे कि भर्ती मैरिट ते हुई है, अच्छे बच्चे साढ़े कोल आए हैगे। तो मैं CM साहब की नॉलेज लई मैं इन्हां दी थोड़ी जी एज प्रोफाइल ते एजुकेशन प्रोफाइल बारे दसना चाहवांगा कि इन्हां विच्चों जिहड़े 4358 उम्मीदवार सिलेक्ट होए हैगे 103 उम्मीदवार पोस्ट ग्रैजुएट हन अते 2607 उम्मीदवार ग्रैजुएट हन ते सिर्फ 1648 उम्मीदवार 10+2 पास हन। इन्हां दी एज प्रोफाइल भी एज प्रोफाइल दे विच्चों 2930 उम्मीदवार 18 to 25 साल की एज विच हैगे ते 816 उम्मीदवार 26 to 30 साल की एज विच हैगे ते एक काफ़ी सा यूथफुल प्रोफाइल साढ़े कोल है ते अज तुहाडे वल्लों अपॉइंटमेंट लैटर लैके इन्हां दी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी पंजाब पुलिस वालों सर। साडे लई मान ते फकर की गल है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब वालों तुहानूं अज अपॉइंटमेंट लैटर मिले हैगे ते जिहड़ा इन्हां दा संदेश हैगा असीं सारे इन्हां दे संदेश नूं निपरे चढ़ाना है, जिहड़ी इन्हां दी आस है पंजाब सरकार दी आस है उस नूं पूरा करना है। नेक नीति नाल मेहनत नाल ईमानदारी नाल तुसीं ड्यूटी करनी है जी। मैं मुख सकत्तर जजवा साहब का भी बहुत आभारी हाँ, जजवा साहब ने बहुत ज़्यादा इस नूं पुश किया, रैगूलर मीटिंग्स कीतियां, रिव्यू मीटिंग्स कीतियां ते अपॉइंटमेंट लैटर छेती तुहानूं दित्ते गए ते होम सैक्रटरी साहब अनुराग वर्मा जी साडे एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रटरी हैगे
इन्होंने जिहड़ा भी असीं प्रपोजल भेजते हैं इन्हों का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होंदा है ते एक बहुत अच्छी टीम पंजाब सरकार वालों सानू दित्ती गई हैगी ते मैं अपने सारे अफसर साहबानां दा धन्नवाद करदा ते सब तो ज़्यादा तुहाडा धन्नवाद भी करदा ते नाले तुहानू सारिआं नूं मुबारकबाद दिंदा बहुत बहुत मुबारकबाद कॉन्ग्रेचुलेशन तुसीं एक नवी पारी शुरू कर रहे हो ते सीएम साहब दे दिशा निर्देश मुताबिक ही तुसीं काम करो बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अज नवे भर्ती हुए सिपाहियों नाल पुलिस थाणियों विच होर जवान तैनात होणगे पुलिस की मुस्तैदी वधण नाल गैर कानूनी अंसरां खिलाफ कार्रवाई भी तेज होगी सर असीं आप जी नूं विश्वास दवांदे हां कि पंजाब पुलिस अवन कानून की राखी अते नागरिकां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे नाल नाल दुश्मन ताकतां नूं भी मूंह तोड़वां जवाब देण लई अपनी ड्यूटी इसे तरह निभाउंदी रहेगी हुण असीं समागम की समाप्ति वल वधदे हुए प्रण करदे हां कि मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान दे सुपनिआं वाला नशा मुक्त ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਹਿੰਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁੱਡ ਲੱਕ